और चुनी से बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस विधायक दल लाएगा प्रस्ताव, राजेंद्र गुढ़ा के सदन से निष्कासन पर यह प्रस्ताव लाएगा कांग्रेस विधायक दल। उसके बाद स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी इस पर निर्णय लेंगे। पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा स्पीकर के कक्ष में मौजूद है। राजेंद्र गुढ़ा के सदन से निष्कासन पर यह प्रस्ताव लाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक दल ये प्रस्ताव लेकर आएगा, राजेंद्र गुढ़ा के सदन से निष्कासन पर प्रस्ताव लाया जाएगा और इस प्रस्ताव पर डॉक्टर सीपी जोशी निर्णय लेंगे। पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा आज हुए वाकये के बाद स्पीकर के कक्ष में मौजूद है। स्पीकर के कक्ष से पहले मुलाकात करने राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे थे, लेकिन अब इस प्रस्ताव को लेकर सभी की निगाहें, क्योंकि आज राजेंद्र गुढ़ा को उस वाकये के बाद सदन से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद ये था कि प्रस्ताव क्या आता है या फिर अब उनका निष्कासन हो गया है, लेकिन प्रस्ताव पहले आएगा। कांग्रेस विधायक दल एकजुट होकर ये प्रस्ताव लाएगा और इस प्रस्ताव के अंतर्गत राजेंद्र गुढ़ा के सदन से निष्कासन पर पूरी तरह से ये प्रस्ताव होगा। इसके बाद स्पीकर जोशी सीपी जोशी इस पर निर्णय लेंगे। स्पीकर सीपी जोशी इस पर निर्णय लेंगे और पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा स्पीकर के कक्ष में अभी भी मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ। यहाँ पर बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल सामने जब वो पहुंची तो हाथापाई की नौबत बन गई और उस दौरान ये कहा जा रहा था कि मार्शल के जरिए उन्हें बाहर निकाला। हालांकि राजेंद्र गुढ़ा जी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अलग आरोप है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस विधायकों की ओर से कुछ लोगों की ओर से नाम भी उन्होंने बताया उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन तमाम सारी चीजों से उतर अब दूसरे स्टेप पर अगर बढ़ा जाए आज की इस पूरी तस्वीर के बाद, तो कांग्रेस विधायक दल इसमें एक प्रस्ताव लेकर आने वाला है। राजेंद्र गुढ़ा के सदन से निष्कासन पर यह प्रस्ताव होगा। लेकिन इससे पहले राजेंद्र गुढ़ा सैनिक कल्याण राज्य मंत्री थे, लेकिन मंत्री पद से उन्हें बर्खास्त किया गया। दो दिन पूर्व उनकी बर्खास्ती हुई, उसके बाद से इस बार अब उनके तल्क बने हुए थे। बयानबाजी पहले भी करते थे, लेकिन फिर और ज्यादा आक्रामक हो गए। जिस तरह की तस्वीरें फिर विधानसभा से आज सामने आई, उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है और निष्कासन निर्णय ही होगा, क्योंकि नॉमिनेट्स भी यहाँ पर कांग्रेस विधायक दल जब भी प्रस्ताव लेकर आएगा राजेंद्र गुढ़ा के सदन से निष्कासन पर प्रस्ताव। और ये बड़ी खबर आपको पसंदीदा पर बता रहे हैं, राजेंद्र गुढ़ा को सदन से क्या निष्कासित कर दिया जाएगा, क्या आप सदन के अंदर भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा कहीं ना कहीं इस चीज का अंदेशा पहले जाहिर कर चुके हैं। उनका यही कहना है कि अब मैं सड़कों पर उतरूंगा, गांव गांव ढाणियों में जाऊंगा, वहां पर महिलाओं को बताऊंगा कि आपके लिए आवाज उठाई थी और उसका खामियाजा मैंने भुगता है, पहले मंत्री पद देकर और उसके बाद सदन से निष्कासित होकर। लेकिन तमाम सारी चीजों से पहले कांग्रेस विधायक दल इस और एक प्रस्ताव लेकर आएगा। पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल स्पीकर के कक्ष में मौजूद हैं। बीएसए की बैठक को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वक्त बीएसए की बैठक होनी थी, जिसमें आगे की रणनीति पर पूरा कार्य किया जाना था, मंथन किया जाना था, लेकिन बीएसए की बैठक को 4 बजे अब किया जाएगा। उससे पहले कांग्रेस विधायक दल ये प्रस्ताव, जिसकी जानकारी सामने आ रही है, राजेंद्र गुढ़ा को निष्कासित किए जाने के लिए, ये राजेंद्र गुढ़ा के निष्कासन के लिए प्रस्ताव कांग्रेस विधायक दल साझा एक साथ एक ही स्वर में लेकर आएगा। और अब कहीं ना कहीं स्पीकर सीपी जोशी के कक्ष में जो हलचल बढ़ी है, और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, गुढ़ा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर, भाजपा लगातार उठाए रखेगी इस मुद्दे को लाल डायरी पर। आगे भी आपको इस तरह से बदस्तूर हंगामा नजर आता रहेगा। लाल डायरी की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसको लेकर 2:30 बजे एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं। राजस्थान का मुद्दा दिल्ली तक, और 2:30 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे प्रेस वार्ता। तो देखिए लगातार इस पर अपडेट आपको हर एक पहुंचा रहा है फर्स्ट इंडिया, हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ के हैं। नरेश जी, भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को खूब भुनाएगी, लाल डायरी जिसका जिक्र और लाल डायरी की तस्वीर भी नजर आई, जब कार्य किया जा रहा था विधायक तब भी हाथों में लाल डायरिया थामे थे और उसके बाद फिर ये पूरा मसला हो गया, अब दिल्ली तक पहुंची है इसकी गूंज, गजेंद्र सिंह शेखावत इसको लेकर प्रेस वार्ता करेंगे। नरेश जी, बिल्कुल, देखिए जब सरकार का ही कोई आदमी बागी हो और सरकार का ही कोई मंत्री है वो इस तरह के बयान जब जारी करे तो विपक्ष तो उसको बिल्कुल मुद्दा बनाएगा। और आज जिस तरह से विधानसभा में घटनाक्रम हुआ है उसके बाद विपक्ष ने पूरी तैयारी की है कि ये जो लाल डायरी का मुद्दा है इसको अब शांत नहीं होने देना है। जिस तरह से विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने जो डायरी लहराई थी उसकी गूंज दिल्ली तक है,
दिल्ली तक हलचल है और अब रणनीतिकार जो है वो रणनीति बना रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के, कि कांग्रेस चाहेगी कैसे इस मुद्दे को शांत किया जाए, कैसे इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि अभी सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी दिल्ली तक ये मामला किस तरह से इसको उठाया जाए, किस तरह से यहाँ पे हो। अभी सदन की कार्यवाही स्थगित चल रही है, लेकिन इस बीच स्पीकर सीपी जोशी के कक्ष में लगातार हलचल है। कभी कांग्रेस के विधायक जाते हैं तो कभी भाजपा के विधायक जाते हैं, और इस बात की भी पूरी तैयारी है कि कांग्रेस के जो विधायक यानी सत्ता पक्ष है वो इस बात की रणनीति बना रहा है कि गुढ़ा के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाया जाए, उनको यहाँ से जो उनका निलंबन या उनकी सदस्यता खत्म करने तक का जो प्रस्ताव है वो लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन किस तरह का प्रस्ताव होगा ये तो जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब ही पता लग पाएगा। इस बीच संगठन ने पहले से ही जो तैयारी कर ली है गुड्डा के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई करने की, जो तो हमने पहले बताया था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन इस बारे में अभी आधिकारिक रूप से आदेश है वो जारी नहीं किए गए हैं। आज जो है इस बारे में फैसला हो सकता है, लेकिन चूंकि जिस दिन उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था तभी यह तय हो गया था कि उनको पार्टी से भी निकाला जाएगा, पार्टी से भी उनकी बर्खास्तगी होगी, तो देर सवेर जो है वो इसका आदेश भी जारी हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक विधानसभा की बात करें, अब की तरह की जो कार्रवाई है, चूँकि जिस तरह से शुक्रवार को शाम को गुड्डा को बर्खास्त किया गया था उसके बाद ही तय हो गया था कि सोमवार का जो दिन है वो विधानसभा में कैसा होगा, उसकी तस्वीर कैसी होगी, और ठीक वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। नरेश जी, और इस पर अपडेट भी दर्शकों को दे देते हैं कि 2:30 बजे दिल्ली में जहां गजेंद्र सिंह शेखावत इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता करेंगे, तो फिर दोपहर 3 बजे नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष जयपुर में लाल डायरी के मसले पर प्रेस वार्ता करेंगे। योगेश जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, कई सारी चीजें हैं, सवालों की झड़ियां लगी हुई है, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा के निष्कासन को लेकर अब विधायक दल की बैठक और उसके बाद सर्वसम्मति से कब तक वो सामने आएगा, और कहीं ना कहीं विपक्ष की भी इसमें भूमिका बढ़ती हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? और देखिए, सबसे पहले मैं मेरे साथ रामलाल जी जाटे में एक बार बात कराऊंगा फोन पर, उनसे उनके खुद के ऊपर लगाई जी। रामलाल जी को अभी स्पीकर ने अंदर बुलाया और फिर बात करेंगे। बिल्कुल, और इस तरह कांग्रेस के अन्य नेता भी स्पीकर के पास मौजूद हैं, चाहे वो अपने कांग्रेस को उनसे उठाता है, चाहे वो मुख्य सचिव महेंद्र चौधरी हैं और संसदीय कार्य मंत्री थान धारीवाल भी इसके स्पीकर से गए बात रखे गए। इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर कांग्रेस पार्टी की रहेगी, अभी सुखिंदर रंधावा जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं वो मुख्यमंत्री है, और उसके बाद आखिर भारतीय कांग्रेस कमेटी भी इस बारे में निर्णय करेगी, और सदन में उप मुख्य सचिव महेंद्र चौधरी राजेंद्र गुढ़ा पर कार्रवाई को लेकर प्रस्ताव कांग्रेस विधायक दल से रख सकते हैं। इस बारे में तैयारी चल रही है कि सदन जब आहूत होगा तब उप मुख्य सचिव महेंद्र चौधरी प्रस्ताव रखेंगे सदन में सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायक दल के ओर से, और उसके बाद स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी इस बारे में निर्णय करेंगे। प्रस्ताव में ये बात भी निहित होगी कि कब तक के लिए राजेंद्र गुढ़ा का निष्कासन सदन से किया जाता है, सदन की बैठकों में भाग लेने से उन्हें रोका जाता है, सदन में कार्रवाई का हिस्सा लेने से उन्हें रोका जाता है। इस पूरे कुछ देर सदन फिर से बुलाया जाएगा, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई सत्ता पक्ष की ओर से सामने आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सूचना सबके सामने ही है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राजेंद्र सिंह गुढ़ा पर कार्रवाई करेगी जो भी तय हो चुका है, और उस बारे में सुखिंदर रंधावा जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी है उनकी रिपोर्ट के बाद इस बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी निर्णय लेगी, और जो कहा जा सकता है कि एक तरह से बड़ा फैसला प्रदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करूंगा। तो आज इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला, और आपको बता दें कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने जब लाल डायरी लेकर सदन में आकर और ग्रीन डायरी जो सदन की होती है उसका नियमों का उल्लंघन करते हुए राजेंद्र सिंह गुढ़ा आसन के बिल्कुल ठीक सामने पहुंच गए थे जो एक तरह से नियमों के अनुसार नहीं होता, तो उस वक्त स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने राजेंद्र गुढ़ा को ये कहा था कि आप मेरे चैंबर में आकर अपनी बात कहिए,
ये तरीका ठीक नहीं है। आप आसन के सामने आके बिल्कुल योगेश जी, इस पर लगातार निगाह फर्स्ट इंडिया की बनी हुई है क्योंकि प्रदेश के लहाज से बड़ी खबर है। शुक्रिया, हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश जी भी लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश जी, स्पीकर के कक्ष में तो हलचल लगातार बढ़ी है लेकिन आरोपों की झड़ी के बीच अब सवालों की भी एक झड़ी लग गई है कि क्या होगा आगे, क्योंकि अटकलें पूरे परवान पर। क्या कहेंगे, आज का दिन बेहद खास प्रदेश के लिहाज से। देखिए, अभी जो अब जो चर्चा है वो इस बात की है कि राजेंद्र गुढ़ा पे कांग्रेस क्या एक्शन लेती है, सदन के अंदर क्या एक्शन होता है, क्योंकि अब जो घटनाक्रम था वो तो सदन के अंदर हम देख चुके हैं और सदन के बाहर जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। लेकिन अभी दो फैसले होने हैं, एक फैसला सदन के अंदर होना है और एक कांग्रेस आलाकमान को करना है। कांग्रेस आलाकमान का जो फैसला है वो तय है, स्क्रिप्ट पहले उसकी लिखी जा चुकी है, प्रस्ताव यहाँ से जा चुका है कि राजेंद्र गुढ़ा है उनको पार्टी से बाहर निकाला जाएगा और देर सवेर जैसे मैंने कहा इसका आदेश है वो जारी हो जाएगा। फिलहाल इसका आदेश जारी नहीं हुआ है लेकिन ये प्रस्ताव पहले भेजा जा चुका है। दूसरी बात है सदन के अंदर क्या होगा, चूँकि देखिए आखिरी सत्र है और मुश्किल से आज के बाद एक दिन और विधानसभा चल सकती है, तो ऐसे में इस स्थिति को देखते हुए राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा जाएगा, संसदीय जो कार्य मंत्री है वही प्रस्ताव रखेंगे और उस प्रस्ताव को लेके है वो सत्ता पक्ष के जो रणनीतिकार है वो लगातार चर्चा में है। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात की है और जो गोविंद सिंह डोटासरा है प्रदेश प्रभारी है रंधावा उनसे बातचीत की है, उसके बाद ही तय होगा कि सत्ता पक्ष है वो किस तरह आगे मूव करें, क्या निलंबन तक स्थिति रहती है या क्या कुछ जो है उनके आगे सदस्यता को लेकर कोई बात की थी। लेकिन महत्वपूर्ण ये सिर्फ अब संदेश देने की बात होगी कि संदेश किस तरह का होता है, क्योंकि देखिए वो तो खुद जो है राजेंद्र गुढ़ा जो है अब मंत्री है नहीं, अगले एक दो दिन एक दिन और मुश्किल से सदन की कार्रवाई चल सकती है, तो ऐसे में ज़्यादा एक संदेश हो सकता है कि हाँ भाई सदन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन जो घटनाक्रम था वो घटनाक्रम हो चुका और बात जो है वो अब सदन के अंदर कार्रवाई से या संगठन को की कार्रवाई है वो नहीं है। अब जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जो मुद्दा अलग हो गया है, अब मुद्दा जो है वो राजेंद्र गुढ़ा जिस तरह से एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष उनका उसी तरह उन आरोपों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेके क्या रणनीति बनती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा अभी ऐसे ऐश्वर्या ने जानकारी दी, योगेश ने जानकारी दी कि नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जयपुर में और केंद्रीय मंत्री है वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हो सकता है देर शाम तक ये आक्रामकता और बढ़ जाए। तो ऐसे में अब जिस तरह से राजेंद्र गुढ़ा ने आरोप लगाए हैं सदन के अंदर सदन के बाहर, लाल डायरी का जिक्र किया है, अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका किस तरह से कांग्रेस के रणनीतिकार है वो जवाब देते हैं, क्या प्रदेश जो अध्यक्ष है वो आके कोई जवाब देंगे, क्या सरकार की तरफ से किसी मंत्री को अधिकृत किया जाएगा कि वो इसका जवाब दे, अभी तक जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। क्योंकि इस पूरे मामले पे चूँकि शांति धारीवाल का भी एक नाम था लगातार और ये कहा जा रहा था कि उनके जो पास तक राजेंद्र गुढ़ा गए थे, लेकिन शांति धारीवाल ने जो बात कही है जो हमारी अनौपचारिक बात हुई है, उन्होंने एक तो जो ऑन कैमरा जो है वो अभी अपनी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, वो कह रहे हैं मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया कि राजेंद्र गुढ़ा ने सिर्फ एक उनके पास जो कागज़ था उस कागज़ को उन्होंने खींचा था वो लिया था। संभवतः राजेंद्र गुढ़ा को ये लगा होगा कि जो शांति धारीवाल के हाथ में जो कागज़ है वो कागज़ कहीं उनको सदन से बाहर करने का प्रस्ताव तो नहीं है, जबकि हकीकत में वो कागज़ थे जो सदन में आज जो बिल रखे जाने हैं उन बिल पे जो जवाब देना है उसके कुछ पॉइंट्स थे जो शांति धारीवाल के हाथ में थे। तो ये ऐसा लगा था कि जब सदन में जब ये पूरी गहमागहमी चल रही थी, जब ये हंगामा चल रहा था, तो ऐसा लगा था राजेंद्र गुढ़ा को कि कहीं जो शांति धारीवाल है उनके खिलाफ कोई जो है प्रस्ताव तो नहीं रख रहे हैं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री वही है उनके द्वारा ही प्रस्ताव रखा जाता है। तो ऐसे में उस कागज़ को छीनने के लिए वो उन तक गए थे, लेकिन वो कागज़ ज़रूर उन्होंने लिया। इसके अलावा हमने पूछा उनको शांति धारीवाल को कि कहीं आपको चोट लगी हो, कहीं धक्का लगी हो, तो उन्होंने इससे मना किया कि उनको कोई चोट नहीं लगी है न उनको कोई धक्का लगा है। खैर ये बात है, लेकिन अब जिस तरह से राजेंद्र गुढ़ा ने बाहर आके बात कही है और जिस तरह से रफीक खान ने बात कही है, तो अब ये जो लगातार है ये बातें खींचती जाएगी और ये मौका भारतीय जनता पार्टी को ये हाथ जरूर लगा है
और वो चाहेगी कि इस ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये जो आरोप कह लीजिए या कुछ भी, ईश्वरीय मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस कदर आ ही जाते हैं। लेकिन राजेंद्र गुझा का यहाँ पर आपने जिक्र किया और सुबह से उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा मसला चल रहा है, कहीं ना कहीं अंदेशा उन्हें होगा आज की घटना से पहले बाद में, क्योंकि स्वर हमेशा से तल्ख रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि अब सड़कों पर उतरूंगा, गाँव गाँव ढाणियों में जाऊंगा, बिलख रहे थे, पूरे पसीने में लथपथ। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अब आपको लगता है कि सिंपथाइज करने की कोशिश राजेंद्र गुझा की ओर से की जा रही है, कह रहे हैं कि वो फेस नहीं है, वो किसी चीज उनकी उनकी उनके नियम अलग हैं इस चीज को लेकर, महिलाओं से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, रो रहे थे। क्या कहेंगे उस खास तौर पर उन 10 मिनट जब वो मीडिया से मुखातिब हुए? देखिए, ये पूरा जो मसला है इसमें अगर हम बात कहें तो राजेंद्र गुड़ा है, इसमें उनको ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी परिस्थितियाँ जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई उसके बाद वो कोई लूजर की स्थिति में है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र के मिजाज के हिसाब से काम कर रहे हैं, उस मिजाज में अभी तक वो गेनर की स्थिति में रहे हैं, क्योंकि उनको बर्खास्त किया गया है तो वो चाहते हैं अभी कि इस आधार पर सहानुभूति ली जाए और अपने विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसके प्रति उनके बीच में जाए और बताएं कि किस तरह से उन्होंने तो महिलाओं का, युवाओं का, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, इस कारण से उनको सजा मिली, इस कारण से उनको हटाया गया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आप पर आपसे बातचीत इस पर करते रहेंगे। मदन प्रजापत की क्या प्रतिक्रिया रही आज विधानसभा के इस घटनाक्रम के बाद, वो एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं जरा। बीजेपी ने राजेंद्र गुड़ा को बलि का बकरा बनाया है और इन्होंने पहले ही साठ गांठ कांग्रेस में मालूम पड़ गई और आज नकली डायरियों का ड्रामा कर रहे हैं। तो क्या इतनी डायरियां आपके पास में? दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरी डायरी छीन ली गई, बाहर आके दूसरी डायरी बता रहे हैं। तो ये डायरी होती तो 2 साल राजेंद्र गुड़ा जी क्या नींद में थे? क्यों नहीं पहले बात की? और आज माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी का षड्यंत्र कोई काम नहीं आएगा। और लोकतंत्र में विधानसभा में बुजुर्ग मंत्री के ऊपर धक्का लगाना और हाथ उठाना, ऐसे व्यक्तियों की लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। विधानसभा को आज शर्मसार किया है, आज विधानसभा की जो पूरे देश में जो अपनी इमेज है, ऐसे व्यक्ति असामाजिक की तरह ऐसे विधानसभा में कलंकित किया है। ये पहले तो लेट आए, आते ही जैसे बीजेपी वाले पहले खड़े हुए और उसके बाद में ये खड़े हुए और आसन के पास में गए और उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी ने मना किया और वापस आके ज्यों ही बिल लिया, कार्रवाई शुरू हुई, धारीवाल जी पढ़ रहे थे और इन्होंने कागज फाड़ने का और धक्का दिया है, हाथ उठाया है। ऐसे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। विधानसभा को शर्मसार किया है। हम घोर निंदा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त करके सही निर्णय लिया है। तो देखिए, मदन प्रजापत को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र गुझा के कंधों पर रखकर निशाना साध रही है। लेकिन नरेश जी हमारे साथ लगातार इस पूरे विश्लेषण पर बने हुए हैं। नरेश जी, आप बात कर रहे थे राजेंद्र गुझा की और आगे की रणनीतियों को हम अज्यूम कर रहे थे कि क्या विधानसभा में उनके जो विधानसभा क्षेत्र में उनकी मजबूती है, पैठ है और लगातार वो काम करते रहे, अब वो जाएंगे और लोगों के बीच इस मैसेज को पहुंचाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, क्या बात कही और खामियाजा फिर इस तरह से उन्हें भुगतना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने कहा कि राजेंद्र गुड़ा इस पूरे मुद्दे पर सहानुभूति के सहारे चलेंगे, खासकर अपने क्षेत्र में, क्योंकि पहले उनका मकसद है विधानसभा फिर से जीतना और वो जहाँ जैसा मिजाज है उदयपुर वाटी का, जिस तरह के उनके समर्थक है, वो इसी स्वभाव के समर्थक ज़्यादातर उसी दम पे वो चुनाव जीतते आए हैं। तो ऐसे में वो अपनी जनता के बीच जाएंगे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह उन्होंने बयान किया है कि मेरे ऊपर बैठ गए, मेरे साथ पिटाई की, मेरे को धक्का मारा, ये तमाम चीज़ें हैं, उनका अंदाज है बात कहने का और होता कुछ है, कहा कुछ और जाता है। लेकिन जिस जो बर्खास्त उनको किया गया उस आधार पर जरूर वो सहानुभूति चाहेंगे कि मैंने महिला अत्याचार का मामला उठाया था, मैंने युवाओं का मामला उठाया था, मैंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, इसलिए सरकार ने मेरे को बाहर कर दिया और वो इस पर चुप रहने वाले नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस के लिए जब चुनावी साल है, चुनावी साल में जब इस तरह मंत्री सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो एक उहापोह की स्थिति होती है, क्योंकि इस चुनावी साल में विपक्ष को लगे हाथ अपने आप मुद्दा
लग जाता है, उनको मुद्दा मिल जाता है और ये ठीक वैसे ही हो रहा है। अब लड़ाई जो है वो सिर्फ राजेंद्र गुड्डा की नहीं है, लड़ाई जो है वो पक्ष और विपक्ष के आ गई है, कांग्रेस और भाजपा है वो एक दूसरे के खिलाफ अब आगे किस तरह से रणनीति बनाते हैं। क्योंकि देखिए भाजपा के रणनीतिकार जुट गए हैं कि राजेंद्र गुड्डा के बहाने सरकार को घेरा जाए, सरकार को जो लाल डायरी का जो मुद्दा उस मुद्दे पर लगातार है इसको हवा दी जाए, इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि देश में एक मैसेज आए, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में कि ऐसा क्या माजरा था, ऐसा क्या था। भले ही जो हमने कहा कि ये जो लाल डायरी है वो क्या है, उसमें वो वही डायरी है नहीं है, क्या हकीकत है, ये सब कोई नहीं जानता। राजेंद्र गुड्डा जो है उन्होंने जो ये पूरा जो लाल डायरी लेके आए उनका अंदाज रहा है इस तरह का, वो पहले भी रहा है। लेकिन अगर एक बार हम सदन की कार्रवाई की बात कर लें तो सदन में जो स्थिति हुई है इससे बुरी स्थितियां हम पहले देख चुके हैं। इससे पहले कई बार विधानसभा सत्र में गाली गलौज तक की स्थितियां पहुंची थी, मारपीट तक की स्थितियां पहुंची थी, कई बार जो सदस्य हैं उनको एक साल तक के लिए निलंबित किया गया था, ऐसी कई स्थितियां हम देख चुके हैं। लेकिन आज चूंकि स्थिति तुरंत संभाल ली गई थी, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद चूंकि अब ये सदन अब ज़्यादा समय नहीं चलेगा तो ऐसे में अब कांग्रेस की रणनीति पहले इस बात को लेके हैं कि जब राजेंद्र गुड्डा खिलाफ़ बोल ही रहे हैं, राजेंद्र गुड्डा जब हाथ से निकल ही गए हैं तो कम से कम कोई एक एक मैसेज ऐसा दिया जाए, एक मिसाल ऐसी कायम की जाए ताकि ये कहा जाए कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता और सदन के अंदर अनुशासनहीनता किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस बात पर बन रही है कि राजेंद्र गुड़ा के कंधों पर जो बंदूक रखी जा रही है उसके सारे सरकार पे निशाना लगाया जाए, क्योंकि मुद्दा जो है वो राजेंद्र गुड़ा है, राजेंद्र गुड़ा ने जो आरोप लगाया वो मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ बोल रही है अभी आज सदन के अंदर, सदन के बाहर, अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब भी वो यही आधार है कि राजेंद्र गुड्डा ने ऐसा कहा है, सरकार के मंत्री ने ऐसा कहा है, उन्होंने लाल डायरी लेके आए हैं, वो लाल डायरी में क्या है उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन देखिए राजेंद्र गुड्डा ने जो डायरी दिखाई वो कवर दिखाया है, उसके अंदर पन्ने पलट के उन्होंने नहीं दिखाए, उन्होंने क्या लिखा है वो नहीं दिखाया। तो ये सब जो है ये एक सियासी हथकंडे होते हैं इस तरह के जो अपनाए जाते हैं समय समय पर, उसी का उपयोग जो है वो राजेंद्र गुड्डा ने भी किया है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब सरकार की तरफ से और कांग्रेस संगठन की तरफ से जब तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आएगा, जब तक कोई पलटवार नहीं आएगा, तब तक आगे किस तरह से राजनीति बढ़ेगी, रणनीति बढ़ेगी, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि इंतजार इस बात को किया जा रहा है कि राजेंद्र गुड्डा पे एक्शन क्या होगा। अब एक्शन जैसे मैंने कहा दो तरफ से एक्शन की बात चल रही है, एक संगठन की तरफ से और एक सदन की तरफ से, वो रणनीति बन रही है। लेकिन अब आप मान के चलिए कि ये जो मुद्दा सदन के अंदर उठा है ये मुद्दा अभी शांत होने वाला नहीं है। इस मुद्दे को किस तरह से चुनावी मुद्दा बनाया जाए इस पर भारतीय जनता पार्टी है वो रणनीति बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका राजस्थान में दौरा होने वाला है, वो सीकर आने वाले हैं और उसी पड़ोसी जिले से राजेंद्र गुड़ा आते हैं, सीकर जिले से जो है वो पीसीसी के अध्यक्ष आते हैं। तो ऐसे में हमला जरूर होगा इस बात को लेके, तो ये कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से, और आधार यही रहेगा कि भाई सरकार के मंत्री ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस को अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुद्दे बनाएगी उसका पलटवार क्या हो, क्या उसकी काट हो, किस तरह से जो है वो भाजपा पे आक्रामक हो, इन तमाम चीज़ों को लेके भी अब कांग्रेस को बोलना होगा, देखना ही होगा कि कांग्रेस का जो हरावल दस्ता है वो कब जो एक्शन में आता है, वहाँ कुछ क्या मंत्री की कोई जिम्मेदारी होती है, कुछ वरिष्ठ विधायकों को जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे साथ क्योंकि आगे भी लगातार आपसे बातचीत इस खबर पर जारी रहेगी।